एक बहुत ही शर्मनाक खबर आज हमें देखने को मिली है, जो तेलंगाना राज्य का जो होम मिनिस्टर है महमूद अली साहब, उन्होंने महमूद अली साहब की जो सिक्योरिटी में जो ऑफिसर है उसको थप्पड़ मार दिया। उस ऑफिसर की क्या गलती थी? फूलों का जो गुलदस्ता था लाने में सिर्फ 3 सेकंड्स लेट हुए थे, तो सीधा थप्पड़ लगा दिया हमारे होम मिनिस्टर साहब। असल में इश्यू क्या है, जो एनिमल हस्बेंड्री के जो मिनिस्टर है तलसानी श्रीवाजी, उनका बर्थडे था, उनका जन्मदिन था। जन्मदिन की बधाई देने के लिए हमारे होम मिनिस्टर साहब पहुंचते हैं उनके घर। वहां पर बुके देने के समय पर विदिन सेकंड वो ऑफिसर लेट होता है और उसको थप्पड़ मार देते हैं। ये जो हमारे तेलंगाना राज्य के जो होम मिनिस्टर है ना, ये तेलंगाना राज्य के लिए लवर स्टैम है। होम है लेकिन बेअसरदार है, क्योंकि सारा का सारा पावर हमारे तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी ने रखा है, सिर्फ बताने के लिए। जैसे एक समय पर भारत देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, वो भी एक लवर स्टैम थे, सोनिया गांधी जी के इशारों पर उनको नाचना पड़ता था, दुर्भाग्य की बात है। वैसे ही हमारे तेलंगाना राज्य के जो होम मिनिस्टर है ये लवर स्टैम है। बहुत ही शर्मनाक खबर है, जो ऑफिसर जिस होम मिनिस्टर की सुरक्षा में लगा हुआ है उस ऑफिसर को थप्पड़ मारना क्या सही है क्या, आज मैं पूछना चाहता हूं। अगर कोई भी आम जनता किसी पुलिस वाले को अगर घूर के भी देखती है तो उसके ऊपर एफआईआर किया जाता है। अगर आम जनता किसी पुलिस वाले को ऐसा अगर हाथ लगाती है तो उसको पकड़ के जेल में डाला जाता है। 2 दिन पहले मेरे ऊपर भी एक एफआईआर हुआ, कोई गलती नहीं थी, लेकिन जिसने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, रानी अवंती बाई जी की प्रतिमा के पास एक छोटी सी दीवार उठा रहे थे, लेबर उठा रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने उसको बेस बनाकर मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया कि हमने इलीगल दीवार उठाई। तो सोच सकते हैं कि विधायक हो, आम जनता हो, पुलिस एफआईआर करने में नंबर वन रहती है। तो मैं आज हमारे डीजीपी से पूछना चाहता हूं, होम मिनिस्टर साहब ने पुलिस को थप्पड़ मारा है, मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, होम मिनिस्टर ने पुलिस पर थप्पड़ मारा है, क्या इस होम मिनिस्टर के ऊपर एफआईआर होगी? और पता है कि ये हमारे होम मिनिस्टर साहब मुसलमान है और जो थप्पड़ खाने वाला वो हिंदू है बाबू, और जो कि SC ST समाज से आता है, ST समाज से, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट ऑफिसरों को एक होम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है, लेकिन यहां पर पुलिस कांस्टेबल को ऑफिसरों को नौकरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, नौकरों की तरह देखा जा रहा है। तो अब देखेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे नालायक होम मिनिस्टर को तेलंगाना की जिम्मेवारी पर रखते हैं, संभालने की, लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए रखते हैं या निकालते हैं। और देखेंगे ये जो हमारे तेलंगाना राज्य के जो DGP है, क्या पुलिस पर थप्पड़ मारने के बाद में क्या होम मिनिस्टर पे कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये देखने वाली बात है।